पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाव। और अगली खबर बिहार से, जहां नीतीश कुमार की सरकार जातिगत जनगणना कराने जा रही है। इसका पहला चरण शनिवार से शुरू होगा और 21 जनवरी तक चलेगा। इसके बाद इसका दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। नीतीश सरकार लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी और नीतीश सरकार ने पहले भी जातिगत जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास कराया था। जनगणना के पहले चरण में घरों की गिनती होगी और घर के मुखिया समेत परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज किए जाएंगे। हाँ, वो शुरू हो जाए तो हमने कहा ही है। तो पहले तो उसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी था ना। तो एक एक बार उसका एक एक चीज की समीक्षा कर रहे थे क्या हुआ, तो एक एक चीज को देखने के बाद हो गया कि सब लोगों को काफी संख्या में ट्रेन किया गया है और उसके बाद सब जगह जा करके एक एक घर में एक एक बात को पूछेंगे देखेंगे। कोई अब जात की जगह उपजात बता देता है ना, तो ही ना बगल वाला बोलेगा तो ही उसको फिर समझा करके कि भाई देखिए। तो इसी तरह से, क्योंकि उपजाति लिखा जाना तो ठीक नहीं ना है, जाति लिखा गया तभी ना संख्या ठीक से होगा। तो इस तरह से एक एक चीज सबको समझाए हैं और लोग पूरा ट्रेनिंग करके अब वो करने जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो हो जाएगा।